वाराणसी एयरपोर्ट के रनवे विस्तार को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिला प्रशासन और एयरपोर्ट अथॉरिटी संयुक्त रूप से एक साथ इस पर काम भी कर रही है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन और एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी अपना पूरा योगदान इसमें निभा रहे हैं। अभी एक सप्ताह पूर्व मछली शहर सांसद बीबी सरोज के द्वारा किसान के बीच में जाकर बैठक किया गया, उनसे बातचीत किया गया तथा उन्हें यह भरोसा दिलाया गया कि निश्चित तौर पर आपका जो भी मुआवजा होगा वो आपको मिलेगा, मुआवजे में कहीं से आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। साथ ही साथ आपको बताते चलें, देश का यह पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जिसके रनवे की लंबाई 4075 मीटर होगी और आपको बता दें कि हाईवे के ऊपर से रनवे का निर्माण कराया जाएगा और नीचे से सामान्य वाहन का भी आवागमन होता रहेगा। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि अभी तक इस एयरपोर्ट पर बड़े विमान जैसे बोइंग विमानों की लैंडिंग नहीं हो पाती थी। उसका सबसे बड़ा जो कारण था वो था कि 2750 मीटर ही रनवे था जहां बड़ी विमानों के लिए लैंडिंग कराना संभव नहीं था, लेकिन अब रनवे एक्सटेंशन के बाद उस रनवे की लंबाई 4075 मीटर हो जाएगी। उसके बाद सभी विमानों का आसानी से आवागमन भी होता रहेगा। वाराणसी से भारत एक्सप्रेस के लिए मदन मुरारी पाठक की रिपोर्ट। और कब तक ये बनकर रनवे एक्सटेंशन को लेकर जो है हम लोग सब तेजी से काम कर रहे हैं। राज्य शासन द्वारा अभी भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई बहुत तेजी से चल रहे, 350 एकड़ भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। इस अधिग्रहण के बाद भूमि जब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंप दी जाएगी तो तुरंत रनवे विस्तार के कार्य तो लगभग अभी 2745 मीटर्स का लंबाई है वो जाकर 4250 अर्थात 4250 मीटर की लंबाई हो जाएगी, जिससे बड़ी जहाज आपकी यहाँ पे लैंड कर पाएगी। हो सकता था सीधी उड़ान जो है लंदन तक जाना सरल हो जाएगी। ये वाराणसी और इसके आसपास के क्षेत्र के लिए बहुत उपकारी साबित होने वाली है। साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम भी लगाना सरल होगा जो अभी लंबित है। यहाँ कैटेगरी 1 होने की वजह से ठंड में जहाज यहाँ प्रवर्तन करना बहुत मुश्किल होता है, तो वो भी बहुत सरल हो जाएगा क्योंकि कैटेगरी 3 लगते ही जो है बहुत कम दृश्यमान में भी आप जहाज पर लैंड करा पाएंगे, जिससे सभी को बहुत सुविधा महसूस हो। मैम, अभी चर्चा का दौर था कि एयरपोर्ट का जो रनवे बनेगा नीचे से बसें जाएगी और ऊपर से रनवे का निर्माण कराया जाएगा, तो क्या उसी तर्ज पे होगा या इसमें कोई बदलाव होगा? रनवे का जो विस्तार होगा तो हमारे जो 09 छोर की तरफ हाईवे की तरफ जो है हाईवे के ऊपर से रनवे निर्माण करने का योजना बनाई जा रही है। ऐसे रनवे विदेशों में होते हैं तो यहाँ पे भी ऐसे रनवे बनाने का निर्णय लिया जा रहा है। अभी पूर्ण रूप से तो भूमि अधिग्रहण करने के बाद ही टेक्निकल टेस्टिंग वगैरह के बाद ये होगा, लेकिन सैद्धांतिक रूप से ये स्वीकृति सबने दे दी है। तो ये एक अनूठी और अनोखी चीज़ काशी पर सबको दिखेंगे। साथ ही साथ जो है बहुत सारी सुविधाएं ऐसे बेस होंगे जो प्रचालन में सुविधा। मैम, एयरपोर्ट रनवे के साथ साथ और क्या क्या एयरपोर्ट पर विस्तार होने हैं? अभी वर्तमान में काशीवासी को बहुत प्रसन्नता होगी, हम 29 जुलाई से काशी का स्वाद करके चाट पकौड़े की भी एक दुकान जो है हम लोग यहाँ पे खुलने वाले हैं और एक माह के लिए एक आर्ट गैलरी भी हम सुरक्षा कक्ष के अंदर जो यात्रियों के लिए हम प्रारंभ करेंगे।